हे फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और आज मैं बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश चॉकलेट कपकेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इसे बनने में सिर्फ 1 मिनट लगते हैं। इस रेसिपी को देखने के बाद आप बच्चों की कपकेक की फरमाइश सिर्फ 1 मिनट में पूरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले लेंगे एक बाउल और सबसे पहले इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। और 3 टेबलस्पून ही इसमें डालेंगे हम चीनी, और ये पिसी हुई चीनी है। और एक बार इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और एक बार जब ये अच्छे से मिल जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही, क्योंकि हम इसमें अंडा यूज नहीं कर रहे हैं। और अगर आप अंडा यूज करते हैं तो आप इसमें अंडा भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून मैदे के और 1 टेबलस्पून डालेंगे कोको पाउडर के, क्योंकि हम यहाँ चॉकलेट केक बना रहे हैं। अगर आप यहाँ चॉकलेट केक नहीं बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। और बिल्कुल 1 पिंच के करीब हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे और 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर के। और अब इसका हमें बैटर बनाना है, तो थोड़ा दूध या फिर थोड़ा पानी डाल के इसका आप बैटर बना लीजिए। मैं यहाँ पानी ले रही हूँ, आप बिल्कुल दूध ले सकते हैं इसमें। और थोड़ा सा पतला बैटर बनेगा क्योंकि ये माइक्रोवेव में बनने वाला है, और बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है हमें इसका। और ये देखिए, बहुत ही स्मूथ बैटर बन के तैयार हो गया है। और इस केक को बनाने के लिए हमें किसी भी मोल्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें एक केक लाइनर की जरूरत पड़ेगी। बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में और बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। काफी सारे केक लाइनर है जो कि सिर्फ 14 रुपीज के हैं। केक लाइनर मैं ले लूंगी और मैं एक नहीं, कम से कम 2 से 3 लूंगी, क्योंकि हम कोई भी मोल्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बेस चाहिए हमें। और यहाँ मैंने 3-3 लाइनर ले लिया है। और अब हम अपने बैटर को इसमें भर लेंगे। एकदम ऊपर तक मत भरिएगा क्योंकि ये काफी फूलेगा अभी। देखिए, मैंने इसे भर लिया है और अब हम एक साथ इसे माइक्रोवेव में नहीं डालेंगे, हम इसे एक एक करके डालेंगे। अभी हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव को हमने फुल पावर में रखा हुआ है, इसे हम खोल लेते हैं और इस तरह से हम इसे माइक्रोवेव में रख देंगे। और अब हम लगा देंगे 50 सेकेंड और स्टार्ट कर देंगे। और देखिए, ये बन गया है और इसे अब हम निकाल लेंगे। और ये थोड़ा गर्म होता है तो आप थोड़ा जल्दी से निकाल लीजिएगा। और अब अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इसे हम सजा लेंगे चॉकलेट व्हिप क्रीम से। और सजा लेंगे इसे हम थोड़े से स्प्रिंकल के साथ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ये 1 मिनट माइक्रोवेव केक बनके बिल्कुल तैयार है। इसे बनने में तो 1 मिनट लगा है, लेकिन इसे खत्म होने में कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, आप इसे घर में जरूर ट्राई करिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी अब आपको अपनी अगली डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।